नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर। देख सकते हैं किस तरह से एक पेट्रोल पंप के बाहर इस तरह से पत्थर लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद साफ तौर पर पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। निशाना क्यों बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर आज मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी का स्टे हुआ था, जिसके चलते हुए इस पंप को निशाना बनाया जा रहा है और इस पंप का रास्ता जो है वो रोक दिया गया है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल ऐसे बताया जा रहा है कि आसपास के और पंप जो हैं उन्हें नहीं बंद किया गया, खाली इसी पंप को जो है वो निशाना बना लिया जाता है। जानने का प्रयास भी करेंगे, मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे जो कल शाम मेरे को पता चला है कि पत्थर लगाए जा रहे हैं, मेरे को उससे पहले कोई सूचना नहीं थी, अचानक पत्थर लगाते हुए दिखे तो मैं इनके पास आया, जो यहाँ पर NH के आदमी पत्थर लगा रहे थे, उन सब पूछा तो वे कहने लगे जी मारे तो अफसरों ने देश कराया है। मैं कौन अफसर, तो उन्होंने एक नंबर दिया, मैंने उससे बात करी, वो कहने लगे जी सेफ्टी पॉइंट वे से कराया, मैं सेफ्टी सारों पंपों पर लागू होगी या इसी स्पोरी, उनको जी बल तो इस पंप का नंबर दिया गया, मां का कोई है प्लानिंग, उनको जी ऑर्डर सिर्फ एक पंप का है, तो ये एक प्री प्लान रुके गया। हमारे मन अधिकारी कोई नहीं था, कर्मचारी थे। कितने कर्मचारी थे NHIC? दो कर्मचारी थे, एक उनकी पोकलैन थी, इनकी एक मशीन थी और दो ट्रक इनके बरकर ले आए थे। आपको क्यों टारगेट किया गया सर, क्यों, क्या कारण है? राहुल गांधी जी मेरे फार्म हाउस पे 7 तारीख को ठहरे थे, जो हमारे मन में गया है और इस वजह से टारगेट किया गया। कोई नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है किसी तरह की। सर आपके पेट्रोल पंप और फार्म हाउस से पहले सर पीछे एक ढाबा पड़ता है, वो तो रास्ता खुला हुआ है, आप ही के पेट्रोल पंप को बंद किया गया? ऐसा है, पेट्रोल पंप बंद किया गया कि ये हमने इसका कारण तो इन सब पूछेंगे, हमने NHAI से भी पूछेंगे और जो प्रशासन है उससे भी पूछेंगे। सर नेशनल हाईवे पर एक पेट्रोल पंप हो रहा है करनाल में ही, जिसका रास्ता बंद किया गया था कुछ समय पहले, वो क्या रिलायंस था, क्यों किया गया? रिलायंस का है, वो चट्ठा का है, वो भी कांग्रेसी का है, ये मेन कांग्रेसी को टारगेट करते हैं। इससे पहले सर किसान आंदोलन के दौरान देखा गया था राम सिंह राणा का था जो ढाबा, वो किसानों को खाना वगैरह भी खिला रहे थे मुफ्त, और ऐसे में उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया था? उनका बंद किया गया था और उसके बाद इन्होंने नाटक किया था भी खोल लो, तो ये आदमी खास तौर पर टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं जो जनता के साथ खड़े होता है, जनता के हक में खड़े होता है। ये है, क्या किया जाएगा? हम ही बाल मीटिंग करेंगे और मेरे बेटे की शादी है 22-23 की, तो उससे निमटने के बाद उड्डा जी आ रहे हैं 23 तारीख को, उड्डा जी ने बात की थी, उदयबान जी ने भी की है, तो वे कह रहे 23 को आते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। ये रास्ता ना खोला गया तो क्या करेंगे, खुद ही रास्ता खुलवाएंगे या क्या करेंगे? नहीं, सरकार पे ही खुलवाएंगे। दम है कि अपने आप भी खोल लेंगे, खुद खोल सकते हैं रास्ता, कांग्रेसियों में इतना दम है? ऐसा है, हम कानून में चल कर प्रशासन पे ही खुलवाएंगे, कारण पॉलिसी यदि बनती है तो सबके लिए बनती है, कोई एक आदमी के लिए पॉलिसी। पेट्रोल पंप है सर जिसका बंद किया गया आपके अलावा? किसी का बंद नहीं किया गया, सिर्फ एक था, हमने उनसे पूछा, मैं भी कोई और नंबर हो तुम्हारे पास, किसी और का कर रहे हो आगे पीछे, उनको ना जी एक आदेश आ रहे हमारे पास, आदेश आए थे आपकी वजह से ही अनुशासन भंग हो रहा था, बस यही लगे मेरे को तो। आप देख सकते हैं किसके लिए जो है वो बंद किया गया, फिलहाल कैम मेरे को ही जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नेताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। त्रिलोचन सिंह हैं कांग्रेस से, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, एक ही पंप को टारगेट बनाया गया? सर को टारगेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, जो है जोगिंदर चौहान जो इस होटल का मालिक भी है और जहाँ राहुल गांधी जी का रात्रि विश्राम हुआ था 7 तारीख का, उस फार्म हाउस का मालिक भी यही है, इनका ये कहना है भी इसीलिए मेरे को टारगेट किया गया कि राहुल गांधी जी की यात्रा से मद्देनजर, तो हम इस बात को बड़ा घिनौना कार्य मानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला की भाई सरकार बड़ी जबर सरकार गिनी जाती थी, लेकिन वो सामने से वार करते थे, पीठ पीछे वार नहीं करते थे, भाजपा पीठ पीछे वार करती है। पेट्रोल पंप को चाय की दुकान नहीं, जो रात को खुली सवेरे बंद होगी, इसके लिए कम से कम 100 के करीब NOC लेने पड़ते हैं, NOC लेने के बाद ही पंप चलते हैं। अगर कोई ऐसी
विपता थी उनको या आपत्ति थी नोटिस देना चाहिए, नोटिस देकर जवाब लेना चाहिए, तब जाकर पंप बंद करना चाहिए। पेट्रोल पंप मालिक होते हैं वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। हाँ वो फॉलो करते हैं और फॉलो अगर नहीं भी करते उनको नोटिस दिया जाता है। ये इनकी मर्जी, एजेंसी के कंपनी के पंप होते हैं। बेरात को जब दिल करा बंद कर दिया, दिल करा खोल दिया, ये ढब्बे नहीं है। इससे नुकसान पहुंचाना एक ये टारगेट करना भी आगे आने वाले समय में जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो कांग्रेस के बछिंदे हैं, जो कांग्रेस लोग हैं, वो भाजपा सरकार के खिलाफ खुल के ना बोल सके, इसलिए उनको टारगेट करने के लिए, डराने के लिए ये होची हरकतें की जाती है। जैसे इन्होंने बताया जोगिंदर जी ने भी मेरे को टारगेट राहुल गांधी जी के कर किया गया। अभी प्रशासन बताएगा अगले एक दो दिन में, आज या कल, क्यों इनके बेटे की शादी है परसों, ये सोचते हैं दो तीन दिन रुक के हुड्डा साहब भी आएंगे, सारी सलाह मशवरा करके फिर अगली कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारे को जबरदस्ती खाली कराना पड़े या और कोई कार्रवाई करनी पड़ी, वो तीन दिन के बाद की जाएगी। तो कानून तो सबके लिए होना चाहिए, पीछे कुछ छोड़ दिए गए, इसे टारगेट कर दिए गए। देखो कानून सबके लिए तो होना चाहिए, लेकिन भाजपा तो ऐसी बात नहीं मानती ना। भाजपा तो चुन चुन के लोगों को टारगेट करती है, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना, क्या बात है क्या नहीं, वो करती है भाजपा। भाजपा की अच्छी राजनीति जो है वो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक ही पंप को टारगेट कर दिया गया, ऐसा जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किस तरह से देख सकते हैं एक पंप को बंद कर दिया गया बड़े बड़े पत्थर लगाकर, जिसके बाद साफ तौर पर पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि इसे प्रशासन द्वारा ही हटाया जाएगा। हटाने को हम खुद भी हटवाए जाते हैं, पर प्रशासन द्वारा ही हटवाया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे पंप चलते हैं। और अगर कानून है तो, अगर ऐसी पॉलिसी है तो सबके लिए लागू होनी चाहिए, मेरे अकेले के लिए लागू नहीं होनी चाहिए। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करनाल के नेशनल हाईवे ये देख सकते हैं, साथ ही साथ नेशनल हाईवे लगता है, और नेशनल हाईवे पर और काफ़ी ऐसे पंप है जिनके ऊपर ऐसे पत्थर नहीं लगाए गए, इसी पंप को टारगेट बनाया गया। साफ तौर पर मालिक का ये भी कहना है कि मैंने राहुल गांधी को स्टे करवाया था और मेरे को टारगेट बना लिया गया। देख सकते हैं किस तरह से, इसी तरह से किसान आंदोलन में भी जो है एक ढाबे वाले ने जो है किसानों की सेवा की थी, जिसके चलते हुए उस ढाबे को भी इसी तरह से बंद कर दिया गया था, उसके बाद जब विरोध हुआ तो उसे खोलना पड़ा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे।